भव शंकर देशिक मे शरणम् 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 विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं शरणं भव शंकर देशिक मे 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 श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेदि मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम नमो नारायणाय। आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के द्वारा प्रचलित व्याख्यान माला में यह 36वां कुसुम है। वेदांत विषयों के प्रचार के लिए न्यास द्वारा ये जो परंपरा चलाई जा रही है ये बहुत ही प्रशंसनीय है। जनसामान्य तक उस अद्वैत दर्शन को पहुंचाने के लिए ये बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। इस व्याख्यानमाला में अब तक वेदांत के अनेक विषयों पर अनेक आदरणीय आचार्यों द्वारा व्याख्यान हो चुका है और आप सभी उन व्याख्यानों के द्वारा उस तत्व का ज्ञान कैसे हो सके इस प्रकार उससे अनुग्रहित हुआ है। अब इस कड़ी में हम शरीर त्रय विवेक इस विषय पर चर्चा करेंगे। अद्वैत का जो स्वरूप है सर्वव्यापक है, सबके अंतर्यामी समरस एकात्म रूप में स्थित है, वह निर्विशेष है और सभी चराचरों का संपूर्ण प्रपंच के स्वरूप है। इसलिए उस निर्विशेष तत्व को यथावत जानने के लिए वेद के सार वेदांत वेदांत उपनिषद उपनिषदों में
अनेक प्रक्रियाएं अपनाई हैं। प्रक्रियाओं का अर्थ है एक मेथडोलॉजी। अलग अलग अवसर में अलग अलग विषय को लेकर के ये मेथडोलॉजी प्रक्रिया चलाई जाती है। इनमें कार्यकारण प्रक्रिया, जो जगत और परमात्मा के संबंध के विषय में हमें बता देता है, कैसे परमात्मा सर्वव्यापक है, कैसे परमात्मा सबके उपादान कारण है, यह कार्यकारण प्रक्रिया के द्वारा समझाया जाता है। वेदांत के प्राथमिक प्रकरण ग्रंथों से लेकर ब्रह्मसूत्र तक विषयों का प्रतिपादन इस कार्यकारण प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। ब्रह्मसूत्र में तो अथादो ब्रह्म जिज्ञासा, यहां से आरंभ कर जन्माद्यस्य यतः दूसरे सूत्र से ये कार्यकारण प्रक्रिया ही चलाई जाती है। तो कारण में ही कार्य स्थित होता है, जैसे मृत्तिका में घट आदि पदार्थ स्थित है। इस प्रकार परमात्मा यदि सबका कारण है ऐसा जान लिया जाए तो उस परमात्मा में सभी कुछ स्थित है ऐसा भी जाना जा सकता है। इसी प्रकार दूसरी प्रक्रिया है अवस्थात्रय प्रक्रिया। जीव की जो अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन अवस्थाओं के ज्ञान, इसमें क्या क्या क्रियाएं होती है, इस विषय में इस प्रक्रिया के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस प्रक्रिया से जीव का अकर्तृत्व, अभोक्तृत्व आदि बोध होगा और जीव स्वयं निर्विशेष है ऐसा ज्ञान होगा। इसी के अंतर्गत एक व्यापक प्रक्रिया है जिसको हम अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया कहते हैं। कहा जाए तो बाकी सभी प्रक्रियाएं ये अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। ये अपने आप में एक विलक्षण प्रक्रिया है। इसमें यह कहा जाता है कि जो कुछ भी वेदांत के द्वारा प्रतिपादित होता है वो सब जीव के अज्ञान निवृत्ति के लिए शास्त्र के द्वारा कल्पित मार्ग है, यानी तरीका है। इसको आचार्य शंकर जी ने अपने भाष्य में प्रतिपादन प्रक्रिया तो ऐसा ऐसे शब्द से कहते हैं। प्रतिपादन करने की ये शैली है। और आचार्य शंकर के परम गुरु गौड़पादाचार्य ने अपने मांडुक्य कारिका में उपदेशादयम वादो नास्ति भेदक कथंचना ऐसा कहा। इस प्रकार से जो वास्तविक ब्रह्म का स्वरूप नहीं है, ऐसे कार्य कारण अवस्था जिसमें अभी हम विचार करने जा रहे हैं, शरीरत्रय, पंचकोश आदियों की कल्पना करके जीव को आत्मबोध कराता है। ये इसलिए आवश्यक होता है कि जीव अपने स्वरूप को न पहचानने के कारण शरीर आदि से तादात्म्य कर बैठा है, जिसको अध्यास नाम से कहते हैं। जो जीव का स्वरूप नहीं है उसको जीव ने अपना स्वरूप मान लिया, इसलिए इससे विवेक करना आवश्यक होता है। विवेक के बिना इसका ज्ञान नहीं होगा। तो शरीर के साथ तादात्म्य किया
तो शरीर से अलग होना चाहिए। अलग कैसे हो सकता है? विवेक विवेचन के द्वारा ही हो सकता है। इसीलिए वो विवेक शास्त्र का एक मुख्य विषय बन जाता है। यहां हम शरीर त्रय का विवेक समझेंगे। तो तीन शरीर कहा गया है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। वैसे सामान्य रूप से सामान्य जनता ये तीन शरीर को अलग से नहीं जानते। हमें तो एक ही शरीर ज्ञात है जो स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर से हमारा जीवन चलता है। जो जीवन के प्रयोजन हैं हमें उससे ही सिद्ध हो जाता है। इसलिए अन्य शरीर के बारे में हम विवेचन नहीं करते। और जो अभ्यास हमारा होता है, जो एजुकेशन हमारा होता है, अध्ययन होता है, उसमें भी इस प्रकार का विवेचन नहीं होता है। किंतु यदि कोई मोक्ष पाना चाहता है, उस परमात्मा के स्वरूप को जानकर परम आनंद को, परम शांति को, समरसदा को, सर्वात्म भाव को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे ये शरीर आदि संबंध से पृथक आत्मा का स्वरूप जानना ही होगा। इसलिए ये शरीरत्रय विवेक अत्यंत आवश्यक होता है। कहा जाए तो ये शरीरत्रय विवेक के बाद ही वेदांत की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि शरीरत्रय विवेक से आत्मा अजन्मा है, अमर है, ऐसा अनुभव होता है, साक्षी रूप से अनुभव होता है। हम यहां वेदांत के प्रक्रिया के अनुसार ये शरीरत्रय का विवेचन करेंगे। शरीरत्रय के संबंध में ईशावास्य भाष्य में भाष्यकार का उल्लेख है। ईशावास्य उपनिषद का 8वां मंत्र है जो प्रसिद्ध है, सपर्यकात् शुक्रमकायम् अव्रणम् अस्नाविरगुम् शुद्धम् अपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभो स्वयंभू याथा तथ्यथो अर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। यह मंत्र है। इस मंत्र में परमात्मा का स्वरूप का वर्णन है। इसका भाष्य में सपर्यका शुक्रम अकायम, ये अकायम शब्द से आचार्य जी ने लिखा है कि ये लिंग शरीर वर्जितः इत्यर्थ है, ऐसा लिखा है। तो लिंग शरीर का अर्थ सूक्ष्म शरीर होता है। तो सूक्ष्म शरीर रहित वह परमात्मा है। सूक्ष्म शरीर क्या है आगे हम विचार कर रहे हैं। अकायम अव्रणम अस्नाविरह, अव्रणम व्रणरहित, घाव आदि जिसमें नहीं हो, और अस्ना सिरा से रहित, ये दोनों स्थूल शरीर का प्रतिषेध है। और शुद्धम अपापविद्धम आगे कहा। तो शुद्धम शब्द से आचार्य जी वहां अविद्या मल रहितम ऐसा अर्थ करते हैं। अविद्या रूप मल दोष जहां नहीं है, इसके द्वारा कारण शरीर प्रतिषेध ऐसा शब्द प्रयोग किया। इससे ज्ञात हुआ कि ईशावास्य के 8वें मंत्र में शब्दों के द्वारा तीनों शरीर से रहित परमात्मा
वहां सूजित हुआ। अब कारण शरीर भी नहीं जिसमें, सूक्ष्म शरीर भी नहीं, स्थूल शरीर भी नहीं, किंतु इन तीनों को शरीर क्यों कहा जाता है, शरीर कहने का क्या तात्पर्य है? शरीर का ये निरूपित अर्थ है, श्र हिंसायाम धातु है, उस धातु में ईरण करके एक प्रत्यय है जो उणादि प्रत्यय जिसको कहा जाता है व्याकरण में, वो लगने से उसका अर्थ होता है शीर्यते नश्यति इति शरीरम, जो नाशवान है, परिवर्तनशील है, उसको शरीर कहा जाता है। स्थूल शरीर के विषय में हमें सम्यक ज्ञात ही है कि ये नष्ट होता है, और सूक्ष्म शरीर जो मनादि युक्त है वो भी नष्ट होता है, और कारण शरीर जो अविद्यात्मक है वो भी नष्ट होता है। तो ये नश्यति इस अर्थ में शरीर कहा गया, शीर्यते नश्यति इति शरीरम। ऐसा तीन शरीर, शरीर त्रय कहा जाएगा, और उसका विवेक, विवेक का अर्थ होता है विवेचन, पृथक पृथक करना, अर्थात इस स्थिति में ये तीनों शरीर एक सा बना हुआ है, इसको पृथक चिंतन करना चाहिए। ये शरीर पृथकत्व का चिंतन एक साधन है, और ये चिंतन के द्वारा ही साध्य होता है। इसमें स्थूल शरीर बहुत प्रसिद्ध है, तो भी शास्त्रीय भाषा में स्थूल शरीर को पंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतम ऐसा कहते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया होने के बाद जो पंचभूत तैयार होता है, उस उन पंचभूतों का ये कार्य है। पंजीकरण प्रक्रिया का सामान्य रूप यही है कि सूक्ष्म रूप में, तन्मात्रा रूप में पांच भूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इन भूतों का, एक एक भूत का पहले दो विभाग, और दो विभाग में एक भाग को चार विभाग करके चारों भूतों में मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया को पंजीकरण कहा जाता है। ये भी एक प्रक्रिया है। इस प्रकार से वास्तविक में कार्य रूप से वहां टुकड़ा करना या मिलाना आदि नहीं है, यह हमें समझाने के लिए शास्त्र ने इस प्रक्रिया को अपनाया कि कोई एक प्रकार दिखाना पड़ेगा कि ये पांच भूत मिलके कैसे ये शरीर बना, तो इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है कोई पंजीकरण। तो पंजीकरण होने के बाद में जो कुछ बनता है उसको हम स्थूल कहते हैं। स्थूल की परिभाषा है कि पंचीकृतत्वम स्थूलत्वम। वेदांत में कोई पूछे कि ये स्थूल किसको कहा जाता है, तो उसमें ये परिभाषा दी जाती है, जो पंजीकृत हो गया उसको स्थूल कहते हैं। तो पांच विभाग करके तत्व बनाया गया हो, इसलिए जो आजकल जो प्रसिद्ध आटम है, परमाणु है, वो भी वेदांत की दृष्टि से पंजीकृत होता है, स्थूल होता है। छोटे से छोटे अणु परिमाण के कोई वस्तु भी हो, पार्टिकल्स आदि जो भी होता है, ये सब वेदांत की दृष्टि से स्थूल कहा जाता है। ऐसा हमारा शरीर भी स्थूल शरीर हुआ। ये स्थूल शरीर कर्मजन्य होता है, और सुख दुख आयतनम ऐसा कहते हैं। सुख और दुख को कर्म फल के द्वारा भोगने के लिए ये आश्रय है। हमें अपने जीवन में इस बात को
मन में धारण करना चाहिए कि हमारा ये शरीर मिला हुआ है कर्म का फल भोगने के लिए और नूतन कर्म को संपादन करने के लिए। दोनों ही इस शरीर का उद्देश्य होता है कि पूर्वकृत कर्मों के फल से प्रारब्ध से हम शरीर में सुख दुख भोगते हैं। तो कोई किसी प्रकार जन्म लेता है, किसी कर्म में निरत होता है और उसका फल प्राप्त करता है। कोई अत्यंत सुखी जैसा दिखता है, कोई अत्यंत दुखी जैसा दिखता है। ये विविध प्रकार के जो दिखाई देते हैं प्रपंच में, ये कर्म फल के कारण इस स्थूल शरीर को देही आत्मा आयतन बनाने के कारण होता है। और इस स्थूल शरीर के लक्षण में हमें ज्ञात है कि ये पहले अस्थि जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, ऐसे भाव को षड विकार को प्राप्त करता है। अस्थि जायते, ये अस्थि जायते में कभी जायते को पहले अस्थि को बाद में भी रखा जाता है। तो पहले होता है, उसके बाद उत्पन्न होता है, गर्भ से बाहर आकर के उत्पन्न होता है, जन्म होता है, बाद में वृद्धि को प्राप्त करता है, फिर परिणाम होता रहता है, ऐसे परिणत होकर के वृद्धावस्था को प्राप्त करता है और धीरे धीरे क्षय होने लगता है, अंत में मृत्यु पाकर अपने शरीर को पूरा कर देता है, विनश्यति। ये इसमें जितने ये षड्विकार हैं, ये नियत है, ये अवश्यम भावी है। जन्म से ही लेकर ये विकार स्वतः ही चलता है। जैसा एक फल पकता है, छोटा फल तैयार होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, फिर पक जाता है, बाद में सड़ जाता है, गल जाता है, नष्ट हो जाता है, ऐसा ही ये शरीर की गति है। और इस शरीर के आकार के बारे में वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, सभी जानते हैं। और इस शरीर को अन्न के द्वारा ही बनाया गया और अन्न से इसकी रक्षा होती है और बाद में पृथ्वी रूप अन्न में वो लीन हो जाता है। इसके कारण इस शरीर को अन्नमय ऐसा भी कहा जाता है। जैसे पंचकोश की प्रक्रिया में अन्नमय कोश है, ये शरीर को लेकर के है। इस प्रकार सभी प्राणी का अपना एक शरीर है। इस शरीर में एक आध्यात्मिकता दिखाई है। ये शरीर एक मंदिर है। इस शरीर को आप सात्विक भाव से पवित्र रखेंगे तो इसमें जो देवता निवास करते हैं, उन देवताओं से आपको आशीर्वाद मिलेगा। वह देवता परमात्मा का स्वरूप ही है। इसीलिए शरीर को पवित्र रखने की बहुत सारे क्रियाएं हमारी संस्कृति में चली आ रही है, जो हम आचार विचारों के नाम से जानते हैं। ये उस भाव से है, परमात्मा का ज्ञान उसमें हो, उस भाव से ये विचार रखे गए हैं। और बृहदारण्यक उपनिषद में और एक सुंदर बात है, वहाँ याज्ञवल्क्य ऋषि इस स्थूल शरीर को औषधि यानी पेड़ों के शरीर के साथ तादात्म्य करते हैं, तुलना करते हैं। वे कहते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि वहाँ कहते हैं कि जैसे हमारे शरीर होता है वैसे ये पेड़ों का शरीर है। पेड़ों में भी आपके बाहर के जो त्वचा है हमारे शरीर के त्वचा जैसा है, उसके अंदर रस है हमारे शरीर के रक्त जैसा है, अंदर मांस है और वो हमारे मांस जैसे है, ऐसे तुलना करते हैं। मतलब ये जो भाव है ये उत्कृष्ट भाव है कि हमारे शरीर जैसे ही पेड़ों का शरीर है, अन्य सभी का शरीर है, ऐसा भाव हमारे अंदर आए तो परमात्मा का दर्शन अवश्य होगा।
ये भाव वहाँ बृहदारण्य में प्रकट किया। और ये शरीर नित्य नहीं है, ये गीता में जैसे कहा वासाम सी जीर्णानि यदा विहाया धवानि गृह्णादि नरोपराणि, ये शरीर समय आने पर नष्ट होगा। जैसे एक पुराना वस्त्र, वो जब पुराना हो जाता है तो उसको त्याग दिया जाता है और नया वस्त्र का ग्रहण करता है, इसी प्रकार ये शरीर भी नष्ट होने वाला। अब ये शरीर से विवेक करने पर ये शरीर के अंदर और एक तत्व मालूम पड़ता है, वह है प्राण तत्व, वह है मनो तत्व। मन भी शरीर के अंदर है, तो मन प्राण और मन के ही अंतःकरण के ही अनेक भेद में बुद्धि चित्त आदि शब्दों से भी हम कहते हैं, अहंकार भी है, ये सब अंदर हमें ज्ञात होता है कि शरीर के कुछ विकृति होने पर, शरीर के कुछ रोग आदि होने पर अंदर मन में उसका एहसास होता है। मन के द्वारा हम उसको ठीक करने के, निवारित करने के प्रयास करते हैं, इसलिए एक और शरीर का अनुभव हमें अंदर होता है, अपने मैं हूँ मेरा है ऐसा अनुभव होता है। जैसा स्थूल शरीर में होता है वैसे ही अंदर के शरीर की भावना हमारे ऋषियों ने की, उसको हम सूक्ष्म शरीर नाम से कहते हैं। सूक्ष्म का अर्थ होता है, जैसा पहले कहा, सूक्ष्म की व्याख्या ये जाने कि अपंचीकृतत्वम सूक्ष्मत्वम, ये उसका अर्थ है वेदांत में, कि सूक्ष्म किसको कहा जाना चाहिए, कि जो पंजीकृत नहीं होगा, पंजीकृत नहीं होने की स्थिति में जो पंचभूतों की स्थिति है उसको सूक्ष्म कहते हैं। अर्थात आकाश आदि भूत अपने अपने स्वरूप में, अपनी अपनी मात्रा में है, उसमें दूसरे भूत की मात्रा नहीं मिलाई गई है, जैसा पहले बताया गया उस प्रकार ऐसे सूक्ष्म शरीर है। ये सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बने हुए, उसमें 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्व हो जाते हैं। ये सूक्ष्म शरीर का नाम कभी कभी लिंग शरीर ऐसा भी कहते हैं। हमने जैसा अभी बताया था ईशावास्य उपनिषद में अकायम शब्द से भाष्यकार ने लिंग शरीर प्रतिषेधः ऐसा कहा, तो लिंग शरीर का अर्थ सूक्ष्म शरीर ही वहां लिया जाता है। किंतु कहीं कहीं ये लिंग शरीर और सूक्ष्म शरीर में थोड़ा भेद भी करते हैं। तो लिंग शरीर स्वतंत्र होता है, ये एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करते हैं। वास्तव में मृत्यु के समय में मृत्यु क्या है ऐसे यदि पूछा जाए तो उसका उत्तर, साक्षात उत्तर ये है कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का विच्छेद, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग हो जाना, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच का बंधन का कारण प्राण होता है। प्राण ही दोनों को मिला करके रखा है। जब स्थूल शरीर में प्राण चलने योग्य नहीं रहता है, ऐसी क्रिया नहीं हो पाती है, कुछ क्षति हो जाता है, तो कुछ क्षति होने के बाद उस स्थूल शरीर को फिर काम में नहीं लिया जा सकता, उस स्थिति में वो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को त्यागते हैं, तो उसी को मृत्यु कहा जाता है। क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में इसको ऐसा कहा, जीवापेदम वा किल इदम म्रियते न जीवो म्रियते, जीव व्यतिरिक्तानि तत्वानि जीव उपकरणानि, जीव से अलग जितनी भी है इसकी मृत्यु होती है, ये नष्ट होता है,
कभी जीव नष्ट नहीं होते। जीव ये लिंग शरीर के साथ जन्म जन्मांतर को प्राप्त करता रहता और इस सूक्ष्म शरीर का अनुभव हमें कैसे हो। यदि ऐसा कहा जाए कि जागृत अवस्था में हम स्थूल शरीर से कार्य करते हैं और स्वप्न अवस्था में हम सूक्ष्म शरीर से कार्य करते हैं, तो स्वप्न अवस्था में जो कुछ दिखाई देता है वो सब स्थूल शरीर से भिन्न सूक्ष्म शरीर के द्वारा दिखाई देता है। सूक्ष्म शरीर में सब अनुभव वैसा ही होता है जैसा स्थूल शरीर में होता है। सूक्ष्म शरीर का मुख्य अवयव मन कह सकते हैं, इसलिए मन के द्वारा जो जाना जाता है उसको ही सूक्ष्म कहा जाता है। इसलिए स्वप्न अवस्था में जो हम सुख दुख का अनुभव करते हैं वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा करते हैं। हमारा यह स्थूल शरीर पलंग में सोया हुआ होता है, वो तो विश्राम कर रहा है, और सूक्ष्म शरीर अन्यत्र अन्यत्र विचरण करते हुए उन भोगों का, उन सुखों का, दुखों का अनुभव कर रहा है। ये इसमें मुख्य जो मन है, मन की कुछ विशेषताएं हैं। मन स्थूल शरीर से भी संबंध रखता है और सूक्ष्म शरीर तो है ही, और पूर्व कर्मों से भी संबंध रखता है, क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे साथ तम विद्या कर्मणि समन्वार भेदे पूर्व प्रज्ञा च, ये सब आ जाता है। विद्या कर्मणि समन्वार भेदे, पूर्वकृत कर्म और कर्म फल हमारे साथ में ही आते हैं, उसके अनुसार हम जन्म लेते हैं। इसलिए जन्म किसी भी कुल में हो उसका जैसा मन रहता है वैसा कार्य होता है, ये तो हमें व्यवहार में ज्ञात है कि कभी कभी उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी निकृष्ट नीच कर्म करने लगते हैं। कभी ऐसे घर में, सामान्य घर में जन्म लेकर के भी उच्च कोटि के विचार रख करके उस प्रकार के कर्म करने लगते हैं। ये कैसा होता है, मन के द्वारा, कर्म के द्वारा ऐसा होता है। और ये मन हमारे जीवन के आचार विचारों से भी जुड़ा हुआ है। छांदोग्य उपनिषद में मन अन्न से मन पुष्ट होता है इस बात को प्रतिपादित किया है कि अन्नमशितं त्रेधा विधीयते तस्य यस्तविष्ठो धातुः तत्पुरीशं भवति यो मध्यम तन्मांसम, ऐसा कहा। हम जो अन्न भक्षण करते हैं उस अन्न का जो स्थूलतम अंश है वह मल बन जाता है, वो विसर्जित हो जाता है, और उसका जो मध्यम रस है वह मांस बन जाता है शरीर में, शरीर को पुष्ट करता है। और उसी अन्न का जो सूक्ष्म अंश है, देखिए ये खाता हुआ जो अन्न है उसी का ही सूक्ष्म अंश मन बन जाता है। इसलिए कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, तो इसका ये संबंध है। तो ये भाव, हम जैसे जिस भाव से अन्न का भक्षण करेंगे ऐसे ही हमारे सूक्ष्म शरीर की वृद्धि होती है। सूक्ष्म शरीर भावात्मक है, इसलिए उसकी वृद्धि, उसका रक्षण हम भाव से ही कर सकते हैं। अन्न भक्षण करते समय यदि अच्छे भाव से, भगवत भाव से, हम सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करने के भाव से अन्न भक्षण करेंगे, वो वैश्वानर विद्या हो जाती है, विराट पुरुष का दर्शन उसी से हो जाता है,
और उससे हमारे सूक्ष्म शरीर वृद्धि को प्राप्त करता है, पुष्ट होता है और उसका जो चलन है, क्रियाएं बहुत स्वाभाविक हो जाता है और अत्यंत फलदायी होता है। यही साधन का मुख्य अंश है। हम सूक्ष्म शरीर को स्वस्थ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए साधन करते हैं, उसके लिए सहायक के रूप में स्थूल शरीर भी लेते हैं, किंतु साधन सारे ये सूक्ष्म शरीर में चलता है। अब ये सूक्ष्म शरीर भी आत्मा नहीं है, इसका कारण हम बताएंगे। ये हम शरीर के अंदर क्या होता है इतना जाने कि ये स्थूल शरीर के अंदर इस प्रकार की भी एक क्रिया होती है, वो सूक्ष्म शरीर है। और सूक्ष्म शरीर जैसा हमने कहा ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण आदि से बने हुए हैं। शास्त्रों में ये ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण आदि के देवताओं का भी संकल्प किया है, देवताओं की भी भावना है उसमें कि एक एक इंद्रिय के अलग अलग देव है, तो उन देवताओं को भी हम नमस्कार करते हैं, याद करते हैं, प्रणाम करते हैं, ताकि उनका अनुग्रह हमारे ऊपर हमेशा रहे और हमारे सूक्ष्म शरीर पुष्ट हो। इस प्रकार अंधकरण में मन को ले तो मन की देवता चंद्रमा है और बुद्धि लेने पर बुद्धि की देवता ब्रह्मा ऐसा कहा है। चित्त की भी अहंकार की भी देवता है, चित्त की देवता विष्णु है तो अहंकार की देवता रुद्र देवता है। पंच ज्ञानेन्द्रियों में श्रोत्रेन्द्रिय की देवता दिग्देवता, त्वक की देवता वायु, नेत्र की देवता सूर्य, जिह्वा की देवता वरुण और घ्राण की देवता अश्विनी कुमार कहे गए हैं। इसी प्रकार कर्मेंद्रिय की देवताओं में वाणी की अग्नि और हाथ की इंद्र, पैर के विष्णु और पायु, गुदा की देवता मृत्यु और उपस्थ की देवता प्रजापति कहे गए। ये क्यों कहा? क्योंकि हम जब नित्य कर्म करते हैं, इन देवताओं के नमस्कार प्रणाम करते हैं, पूजा पाठ करने वाले ये विशेष जानते होंगे कि इन देवताओं का नमस्कार होता है। ये किसके लिए होता है? कि यही देवता मिलके ये शरीर चलाते हैं, यही सूक्ष्म शरीर का अंश है। अब ये सूक्ष्म शरीर के भी कारण रूप से स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, दोनों शरीरों का कारण होने से कारण शरीर कहा जाता है अविद्या को। ये अविद्या क्या है, अज्ञान क्या है? तो स्वस्वरूप अज्ञानम तत्कारण शरीरम ऐसा कहा। स्वस्वरूप का अज्ञान, अपने स्वरूप को नहीं जानना, यही अज्ञान का स्वरूप है। अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण जो हमारा स्वरूप नहीं है उसको स्वरूप मान के प्रवृत्ति कर रहा है, यही कारण शरीर का लक्षण कहा। तो आत्म विषयम स्वाभाविकम अज्ञानम ऐसा आचार्य शंकर अपने भाष्य में कहते हैं। अविद्या रहितम, अभी अभी जैसा कहा, कारण शरीर प्रतिषेध, अविद्या अज्ञान जिसमें नहीं है ऐसा हमारा स्वरूप है। ये जो कारण शरीर है, ये कारण शरीर से ही बाद में सूक्ष्म और स्थूल शरीर जन्म लेता है, क्योंकि ये कारण शरीर में अविद्या है और पूर्वकृत कर्मों का जो सूक्ष्म संचित पुंज है वो हमारे शरीर कारण शरीर ही है, जिसको संचित कर्म कहा जाता है। हमने अनेक कर्म करके जो संचय किया, एकत्रित किया हुआ कर्म, जो बाद में भोग के लिए हम अपने जीवन में प्रारब्ध बनाने के लिए
लेते हैं उसी को संचय कहा जाता है। वो कर्म भी इस कारण शरीर में मिला हुआ रहता है, जैसा कहा तम विद्या कर्मणि समन्वार भेद, ये सारा मिला करके कारण शरीर है। अब ये शरीर का सामान्य स्वरूप ज्ञान हो गया कि जागृत अवस्था में हम जो शरीर प्रयोग करते हैं स्थूल शरीर, और स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर, ऐसा है तो सुषुप्ति अवस्था में कारण शरीर ऐसा कहा जाता है। जब गाढ़ निद्रा में हम जाते हैं वहाँ स्थूल शरीर का भी बोध नहीं, सूक्ष्म शरीर यानी मन आदि का भी बोध नहीं, तो उस स्थिति में हम कारण शरीर अविद्या में स्थित रहते हैं। किंतु ये शरीर का और अवस्थाओं का इस प्रकार का संबंध केवल जानने के लिए होता है कि वास्तविक ये दोनों एक है ऐसा नहीं कह सकते। कि कारण शरीर अविद्या है, ये अविद्या तीनों अवस्थाओं में है, जागृत में भी है स्वप्न में भी है, ये कारण शरीर रहता है क्योंकि कारण है वो सबका। अब स्थूल शरीर आत्मा नहीं है, इसका ये हेतु है कि स्थूल शरीर की वृद्धि आदि होते हैं, जैसे अस्थि जायते वर्धते इत्यादि अवस्थाओं को प्राप्त करते हुए भी हम स्थूल शरीर से अभिमान तो करते हैं, किंतु स्थूल शरीर ही मैं हूँ ऐसा नहीं होता है। कारण यह है कि जिसमें जहां भी मैं और मेरा ये जो संबंध होता है, मेरा करके जो संबंध होता है, वो मैं से यानी अपने स्वरूप से आत्मा से अलग होता है। मेरा या ममा ऐसा जो प्रयोग होता है वो स्वयं से अलग होता है। जैसा हम अपने घर को मेरा घर कहते हैं, अपने वाहन को मेरा वाहन कहते हैं, तो उसमें मेरा लगता है, जो भी वस्तु हम प्रयोग करते हैं सब में मेरा लगता है। तो शंकराचार्य जी की प्रकरण ग्रंथ है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया, तत्वबोध नाम के जो ग्रंथ है उसमें, कि जहाँ मेरा लगता है उसको अपना स्वरूप नहीं जानना चाहिए, क्योंकि हम अपना स्वरूप उसको मानते नहीं। तो ये वेदांत का एक ध्यान का विषय है कि अब मेरा जहाँ लगता है वो अपने स्वरूप से अलग हो गया, मैं अलग हूँ। अब शरीर को तो मैं ऐसा प्रयोग हम करते हैं, किंतु अब सिर मैं हूँ, पैर मैं हूँ, हाथ में हूँ, छाती में हूँ, ऐसा प्रयोग हम नहीं कर सकते, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। तो इसका अर्थ है कि शरीर वास्तव में मैं नहीं, वो मेरा है। इसलिए इस स्थूल शरीर को छोड़ करके आत्मा को जब विश्राम करना होता है वो स्वप्न अवस्था में चले जाता है। जब स्वप्न में जाते हैं वहाँ जो शरीर होता है वो शरीर स्थूल शरीर नहीं होते हैं। स्थूल शरीर पलंग पर सो रहा है और स्वप्न के जो शरीर है वहाँ विचरण कर रहा है, इससे ये स्पष्ट है कि स्थूल शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, मैं उससे भिन्न हूँ। इसी प्रकार हम स्वप्न में जाते हैं, स्वप्न में अलग प्रपंच का सृजन करते हैं, न तत्र रथान रथयोगान पंथान अधरथान रथयोगान पथस्रजते, ऐसे बृहदारण्यक उपनिषद में श्रुति है। वहाँ कुछ भी नहीं होते हैं, सबका सृजन हम करते हैं, अपने मन से करते हैं, मन से करते हैं, मन से ही भोगते हैं, मन ही वहाँ करता है, मन ही वहाँ भोगता जैसा दिखता है। किंतु वहाँ भी मैं और मेरा ये जो भेद है वहां भी रह जाता है। हम मन को मेरा मन समझते हैं, कभी मैं मन हूं ऐसा नहीं कहता, इसको ध्यान रखिए। आत्मा का विवेचन में ये बहुत उपयोगी है।
मैं बुद्धि हूं ऐसा कोई नहीं कहता, सबको अपनी बुद्धिमत्ता का अभिमान होता है। मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, बड़ा पंडित हूं, बड़ा जानकार हूं, ऐसा अभिमान होता है। किंतु कोई पूछा कि तुम बुद्धि हो क्या, तो कहता है नहीं मैं बुद्धि नहीं हूं, मेरी बुद्धि, मैं उसको जानता। कभी कहते हैं मेरी बुद्धि ठीक नहीं, आज मेरा मन ठीक नहीं, इसलिए आप जानते हैं उस मन को, मन कैसा काम करता है आप जानते हैं। जैसा आप बाहर के विषयों को उन विषयों से अलग होता हुआ जानते हैं, इसी प्रकार ये विवेचन करिए कि आप मन के विषयों को भी जानते हैं, मन के विषयों के भी साक्षी हैं। इसलिए अवश्य ही आप मन से भिन्न हैं। आप बाहर वृक्ष को देखते हैं, जानते हैं, तो वृक्ष मैं हूं ऐसा नहीं कहता, और वृक्ष आपसे भिन्न है ये आप जानते हैं। कितने भी आपके प्रिय से प्रिय हो तो भी आप उस वस्तु को, उस व्यक्ति को अपना स्वरूप तो नहीं समझते। ऐसे ही मन आपके लिए बहुत प्रिय है, मन बहुत कार्य करता है आपके लिए, फिर भी आप मन नहीं हो। और आपका ये प्रयास भी रहता है कि मन को मैं ठीक करूं, मेरे मन स्वस्थ काम करे, ये प्रयास भी रहता है। तो इसलिए सूक्ष्म शरीर जो 17 तत्वों का बना हुआ है, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि तत्वों से बना हुआ ये सूक्ष्म शरीर भी वास्तविक हमारा स्वरूप नहीं। ज्ञान इंद्रिय में एक एक इंद्रिय में ऐसा कहा जा सकता, आंख मैं आंख हूं ऐसा कोई विचार नहीं करता, मैं कान हूं ऐसा कोई विचार नहीं करता। इसलिए निश्चित रूप से ये आत्मा सूक्ष्म शरीर से भी अलग है। इसी प्रकार कारण शरीर भी आत्मा का स्वरूप नहीं हो सकता। वेदांत तो ऐसा कहता है कि अज्ञात आत्मा ही, ये अज्ञात आत्मा ही सभी प्रवंचन, सभी संसार का कारण है। आत्मा को आप नहीं जानते हैं इसलिए संसार होता है, ये तो ठीक है, किंतु इसका ये अर्थ नहीं कि कारण शरीर हमारा स्वरूप है। कारण शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। कोई भी अज्ञान को अपना स्वरूप नहीं मानता, मैं अज्ञानी हूं यह तो कहता है, फिर तुरंत यह सोचता है कि मुझे मेरा यह अज्ञान हटाना चाहिए, मैं अज्ञान को निवारित करने के लिए प्रयत्न करता हूं। तो यह सब दिखाता है कि अज्ञान अपने से अलग है, और अज्ञान आता है जाता है, कभी कम होता है जाता है, ये सब दिखाई पड़ता है। इसलिए अज्ञान भी हमारा स्वरूप नहीं, आत्मा का स्वरूप नहीं। आत्मा उपशांत है, शांत है, एक रस है, सर्वव्यापक है, सबके अंदर समान है। जब सुषुप्ति अवस्था में, गाढ़ निद्रा में हम सो जाते हैं, वहां हमारे सामने कोई भेद नहीं रहता, वो अभेद अवस्था है, अद्वैत अवस्था है, कुछ भी नहीं जानता है। कोई कितना भी सामर्थ्यवान हो तो भी सुषुप्ति में, गाढ़ निद्रा में वो अपने को नहीं जान सकता, याद नहीं रख सकता, इतना तक भी याद नहीं रहता है कि हम मनुष्य है कि नहीं है, कि स्त्री है, पुरुष है, मनुष्य है, कि क्या है क्या नहीं है, कुछ भी याद नहीं। जो भी, जो कुछ करना धरना है, ये सब कुछ जागृत अवस्था की ओर है। जब जागृत अवस्था आ जाती है तब ये अभिमान, अहंकार आकर के सब कार्य को करने लगता है। इसलिए शास्त्र में इस शरीर को कारण शरीर कहा। इसको यदि हम पहचानेंगे कि ये जो कारण शरीर अज्ञान, अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं होना,
यथार्थ स्वरूप आत्मा का जो परब्रह्म ईश्वरीय स्वरूप उसका ज्ञान नहीं होना, व्यापक तत्व का ज्ञान नहीं होना, यही सब अनर्थ का कारण है। ऐसा नहीं होने से वहाँ से पहले अहंकार होता है, मैं करता हूँ भोगता हूँ ये अभिमान होता है, फिर जो भी करना होता है उसको करते जाते हैं। इस प्रकार शरीर त्रय से विलक्षण आत्मा को जो जानता है वही ज्ञानी होता है। शरीर त्रय से विलक्षण ब्रह्म का स्वरूप साक्षी के रूप में जानना होगा। शरीर कभी भी नाशवान है ये चिंतन करना होगा। आत्मा के अनश्वर स्वरूप को हम ऐसे ही पहचान सकते हैं। बाल्य आदि अवस्थाएं गुजर गई, अब जो अवस्थाएं आ रही है वो भी गुजरने वाली है। हमें उस परमात्मा का व्यापक स्वरूप को इस प्रकार समझना है। वेदांत इसके लिए मार्ग प्रदर्शित करता है। आचार्य शंकर ने अपने भाष्यों के द्वारा, प्रकरण ग्रंथों के द्वारा, स्तोत्र ग्रंथों के द्वारा इसका विस्तार किया कि प्राणी मात्र की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ रचे। उनके जो वेदांत साहित्य है ये अजेय है और ये अद्वैत दर्शन के द्वारा ही हम इस विश्व में शांति ला सकते हैं, परस्पर स्नेह भाव ला सकते हैं, परस्पर मान सम्मान ला सकते हैं, उस समरस को ला सकते हैं जिसको पाने से सभी एक हो जाएंगे। वास्तव में उनके स्मरण में ये जो व्याख्यान माला चलाई जा रही है ये बहुत ही उपयोगी है। इस प्रकार के अनेक विषयों पर और भी आपको आगे श्रवण होता रहेगा। आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे, आप सभी स्वस्थ रहे, शांत रहे, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निरंतर अपने अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के द्वारा अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए आप उस परमात्मा को पाए, इसी प्रार्थना के साथ व्याख्यान माला के ये कुसुम को यहाँ समर्पित कर रहा हूँ। ओम नमो नारायण। विदिताखिल शास्त्र सुधा जलते महितो बनिषत्कथितार्थनिते हृदये कलये विमलं शरणं भव शंकर देशिक मे शरणं भव शंकर देशिक मे शरणं भव शंकर देशिक मे शरणं।